हाय गर्ल्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज बानी एंड आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ इस हेयर स्टाइलिंग टूल्स का रिव्यू देने वाली हूँ। यस, बहुत सारी गर्ल्स को ये होता है कि मतलब थोड़ा कम प्राइस में हमें मिल जाए चीज़ और अच्छा रिजल्ट दे, तो मैं आज यही आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। मैं मेरी हर वीडियो में या फिर कुछ भी फंक्शन वगैरह होता है तो मैं क्या करती हूँ, इसी से स्टाइलिंग करती हूँ और अच्छा लगता है, सारी चीज़ें आपको एक ही साथ मिल जाती हैं। तो काफ़ी टाइम से इसको यूज़ कर रही हूँ, ऑलमोस्ट मुझे 2 ईयर्स हो गए हैं इसको यूज़ करते करते। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। और बहुत सारी आप लोग क्वेश्चन भी पूछते रहते हैं बहुत सारे, तो सारा क्वेश्चन भी यहाँ पर आज मैं कवर करूँगी और साथ में आपको बताऊँगी इसमें क्या क्या चीज़ें मिलेंगी आपको। इसमें है ना 5-in-1 वाला ऑप्शन है, आप इसमें अपने हेयर को वॉल्यूम दे सकते हैं और आप अपने हेयर को कर्ल्स भी कर सकते हैं, बाउंसी कर सकते हैं। एंड यहाँ पर थोड़े से मोटे वाले कर्ल्स भी आपको मिल जाएंगे। देन यहाँ पर आपको क्रिम्पिंग वाला भी ऑप्शन मिल जाएगा और यहाँ पर आपको स्ट्रेटनिंग वाला ऑप्शन भी मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर काफ़ी अच्छी चीज़ है, आप अगर ढूंढ रहे हैं कुछ स्ट्रेटनर वगैरह देख रहे हैं तो ये आपके लिए काफ़ी बेस्ट ऑप्शन रहेगा। ऑल्सो मुझे ये बहुत कम प्राइस में मिला था क्योंकि मैंने इसको है ना दिवाली के टाइम पर परचेस किया था। दिवाली में काफ़ी अच्छे डिस्काउंट आपको देखने को मिल जाते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, इस तरीके का कुछ इसकी पैकेजिंग रहती है और इस तरीके से आपको 5-in-1 प्रोडक्ट दिए जाते हैं, सॉरी प्रोडक्ट नहीं टूल्स दिए जाते हैं। तो जिसमें सबसे मेन काम इसका होता है जो कि इससे होगा, और ऑलमोस्ट 2 मीटर की आपको इसमें वायर मिल जाएगी जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। और क्या हुआ, तो जैसा कि मैं आपको बता रही थी, आपको ये सबसे मेन काम इसी का होता है और आप देख पा रहे हो यहाँ पर इस तरीके से, ये आप देख पा रहे होंगे ये 2 इस तरीके के ये बने हुए हैं। तो इनको आप प्रेस करोगे ना इस तरीके से तो ये अंदर के साइड होते हैं और इसमें आप कोई भी चीज़, सॉरी ये जो जितने भी आपको दिए गए हैं जैसे कि कर्ल्स के हैं और स्ट्रेटनिंग के हैं, तो आपको बस यहाँ पर लगाना है, थोड़ा सा प्रेस करना है। तो ये थोड़ा प्रेस करके लगाएंगे तो ये लग जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले, वैसे तो मेरे हेयर स्ट्रेट हैं, मैंने स्मूदिंग कराई थी तो मेरे हेयर स्ट्रेट हैं। ये मैंने तब ख़रीदा था जब मेरे हेयर स्ट्रेट नहीं थे, तो मैंने सोचा कि इससे कर लूँगी। बट डेली डेली आपको मतलब डेली डेली ये सारे प्रोडक्ट आपको अपने हेयर में नहीं यूज़ करने चाहिए, आपके हेयर्स डैमेज हो जाते हैं। तो इसी वजह से मैं नहीं करती थी, बहुत कम यूज़ करती थी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये रहा स्ट्रेटनिंग वाला टूल, इस तरीके से दोनों प्लेट्स लगी हुई हैं और इसके अंदर ही आपको क्रिम्पिंग वाला भी मिल जाता है जो कि आपको थोड़ा सा खींच के निकालना होता है। तो ये रहा क्रिम्पिंग वाला, दोनों साइड है, तो जब भी आपको करना है दोनों साइड के आपको चेंज करना है, ये आपको ध्यान रखना और इस तरीके से लगा देना है। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले अपने हेयर्स थोड़े से स्ट्रेट करके दिखाऊंगी, स्ट्रेट करूँ या फिर कर्ल्स करूँ सोच रही हूँ मैं। तो स्ट्रेट तो ऑलरेडी है मेरे हेयर इस तरीके से, ये रहा, अब हमने ये लगा दिया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको पहले किसी स्विच में इसको लगा देते हैं, वो भी घूम रही थी। ओके, तो ये मैंने लगा दिया है और अब इसको ऑन करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये रही इसकी बटन, तो ये हमने ऑन कर दिया है और ये, हाँ तो अब ये ऑन हो चुका है, आप देख पा रहे हो इस तरीके से। ये रेड कलर की इंडिकेटर है तो आपको पता चल जाएगा कि ये ऑन है। तो यहाँ से हमने ऑन कर दिया है, अब आप देख पा रहे हो ये थोड़ा सा हीट होगा, गर्म होगा, फिर उसके बाद हम इसको स्टार्ट करेंगे स्ट्रेटनिंग करना। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, मेरे हेयर मैंने स्मूथनिंग कराई थी तो नीचे नीचे जितने भी बड़े हैं अभी भी स्ट्रेट ही हैं, बट ऊपर वाले जो हैं थोड़े से वेवी वेवी हो गए हैं, तो मैं यही आज स्ट्रेट करूँगी। तो सबसे पहले, वैसे तो मैंने अपने बाल एकदम सुलझा लिए हैं इस तरीके से। अनाया मेरी ये वो दे दो, वो पिंक कलर की है ना सीरम, हाँ थैंक यू। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा सीरम लगा लेंगे, ये लिवॉन का सीरम है, मैं कोई भी यूज़ कर लेती हूँ, बस बाल थोड़े से सुलझ जाए इसलिए।
तो ये वाला यूज़ कर लेती हूँ। आप स्ट्रीक का भी यूज़ कर सकते हो, लोरियल का भी कर सकते हो। वैसे आप स्मूदिंग वगैरह कराते हो तो वो आपको रिकमेंड करते हैं कि आपको कौन सा लगाना चाहिए, तो उसी हिसाब से मैं यूज़ कर लेती हूँ। क्या हो, क्या हो, ले लो, चलो ले लो, बैठ बैठ। तो ये मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है लगा के। ओके, तो ये अब थोड़ा सा लग रहा है कि हीट हो चुका है। हाँ, फैन चल रहा है। अरे देखो, दूध गर्म हो गया बनकर। तो ये गर्म हो चुका है ऑलमोस्ट। हाँ, तो आपको स्ट्रेटनिंग करने से पहले सीरम जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि सीरम लगा लोगे तो आपके बाल प्रोटेक्ट रहेंगे हीट से, और डायरेक्ट आप करोगे तो आपके बाल डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो जैसा कि आप वैसे भी डेली बेस पे आपको नहीं करना है, जब कोई काम हो या फंक्शन हो तभी आपको करना चाहिए, डेली नहीं करना चाहिए बार बार, वरना बाल खराब हो जाते। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर वेवी वेवी से नज़र आ रहे हैं मेरे हेयर। तो मैं यहाँ पर स्टार्ट करूँगी, थोड़े से सेक्शन लेना है। आप देख पा रहे हो यहाँ पर वेवी है और यहाँ पर स्ट्रेट हो चुका है। मैं नीचे नहीं कर रही हूँ क्योंकि नीचे मेरे ऑलरेडी स्ट्रेट है। आप देख पा रहे हो यहाँ पे भी स्ट्रेट हो चुका है। अब यहाँ के बाल भी मैं उठाती हूँ जो वेवी से है। आप देख पा रहे हो, तो आप देख पा रहे हो ये मेरे वेवी वेवी से हेयर है और ये स्ट्रेट हो चुके हैं। इस तरीके से कुछ आप स्ट्रेटनिंग भी कर सकते हैं अपने बालों में। तो अभी फिलहाल मुझे इसका कोई काम नहीं है स्ट्रेटनिंग का, अभी फिलहाल मैं बस इतना ही करूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी क्योंकि मुझे ज़रूरत ही नहीं है, मेरे बाल ऑलरेडी स्ट्रेट है। बहुत सारे वेवी वेवी से हो गए हैं बट अभी मुझे ज़रूरत नहीं, बस मैं आपको डेमो दे रही हूँ तो कुछ उस हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको है थोड़ा सा रेस्ट कर देंगे, मतलब रेस्ट करने के लिए रख देंगे, थोड़ा ठंडा हो जाएगा, फिर मैं आपको क्रिम्पिंग करके दिखाऊँगी कि इसमें क्रिम्पिंग किस तरीके से होती है। हम यहाँ पर यूज़ करेंगे बाउंसी हेयर वाला, ये वाला। इसमें ना आप दो प्रोसेस है इसमें, जैसे कि मैंने अभी बताया थोड़े मोटे कर्ल्स चाहिए तो आप कर सकते हो, तो इस तरीके से आपको निकाल देना है और इस तरीके से आप मोटे वाले कर्ल्स कर सकते हो। देन अगर आपको बाउंसी हेयर्स चाहिए तो आपको ये वाला लगाकर अपने बालों में करना है। तो इस तरीके से हम फिर से इसको अंदर की तरफ दबाएंगे और इसको लगा लेंगे और इसको ऑन कर देंगे, थोड़ा गर्म होने के लिए रख देते हैं। तो इस तरीके से कुछ ये वर्क करता है। तो आप चाहो तो ले सकते हो, और इतने मतलब कम प्राइस में आपको और चाहिए ही क्या। वैसे अभी आप अमेज़ॉन पे देखोगे तो इसकी प्राइस जो है 2000 समथिंग होगी या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकती है। मैंने जब लिया था तो मुझे इसमें डिस्काउंट मिला था, काफ़ी अच्छा खासा डिस्काउंट मिला था। तो आप देख सकते हो इस टाइम पे कौन सा प्राइस चल रहा है, और आप ट्राई कर सकते हो, थोड़ा वेट भी कर सकते हो कि कोई सेल आए तब मैं इसको खरीदूँ। तो ये गर्म हो चुका है और मैं यहाँ पर अपने हेयर थोड़े से बाउंसी टाइप करना चाहती हूँ। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, बस आपको कोम टाइप में इस तरीके से करना है, इस तरीके से। पहले चाहो तो आप अपने नॉर्मल किसी कोम से इसको अपने हेयर्स को कोम कर लीजिए, फिर उसके बाद ही करिए। तो कुछ इस तरीके से आपको करना है, ऐसे ऐसे, तो आपके हेयर जो है बाउंसी बाउंसी दिखेंगे। वैसे मेरे बहुत ज़्यादा स्ट्रेट है हेयर, इसलिए है ना बाउंसी वाला लुक नहीं आता है मेरे हेयर्स में, इस तरीके से। अभी यहीं पर आप है ना अपने नीचे कर्ल्स भी कर सकते हैं, जैसे कि आपके पास ड्रायर है ना, तो बस आप इसको ऐसे ऐसे लगा दीजिए इस तरीके से, फिर उसके बाद आप यहाँ पर ड्रायर से कर सकते हैं, और उसके बाद आपके बाल जो है नीचे से कर्ली हो जाएंगे इस तरीके से।
तो आप देख पा रहे हो कुछ दिख रहा है इफेक्ट ऐसे दूर इतना नज़र नहीं आएगा, बट मुझे यहाँ से फील हो रहा है कि मेरे हेयर थोड़े बाउंसी बाउंसी से हैं। यहाँ के देखिए एकदम फ्लैट लग रहे हैं, यहाँ के बाउंसी से लग रहे हैं, आप देख पा रहे हो। तो इस तरीके से ये कुछ बाउंसी वाला काम करता है। तो हम यहाँ पर है ना इसको निकाल देते हैं इस तरीके से, गर्म तो है ही ऑलरेडी। यहाँ पर हम कर्ल्स कर लेते हैं, तो ये आपको इस तरीके से निकालना सॉरी खोलना होता है। फिर उसके बाद आपको गर्म है बहुत ज़्यादा, ये मैं इसको दबाऊँ खोलूँगी नहीं, मैं इस तरीके से करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म है। हाथ जल गया मेरा। तो कुछ इस तरीके से आप हल्के फुलके वाले कर्ल्स भी कर सकते हैं अपने हेयर्स में, देख पा रहे हो इस तरीके से। बहुत ज़्यादा कर्ली वाले हेयर जिनको नहीं पसंद है ना, वो इस तरीके से कुछ वेवी वेवी टाइप में कर सकते हैं। तो ये वाला भी अच्छा लग रहा है। वैसे आज मैं सोच रही हूँ आज मैं यही वाला कर लूँ, अच्छा लग रहा है। तो कुछ इस तरीके से आप इससे भी कर्ल्स सॉरी वेवी टाइप के या फिर थोड़े मोटे मोटे कर्ल्स कर सकते हैं। मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी रैंडमली दिखा दिया इस तरीके से, तो आप देख पा रहे हो ऐसे आपको करना है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा है ना ये वाला भी दिखा देती हूँ, जो पतला वाला है ना अपना, पतले वाले अगर कर्ल्स चाहिए आपको तो इस तरीके से आप ये वाला लगाएंगे। एक मिनट। अच्छा, इसको निकालना भी आपको दबा के ही है, ऐसे आप निकालोगे तभी ये निकलेगा अच्छे से। तो इसको हम थोड़ा गर्म कर लेते हैं पहले। ये मस्ट हैव है, आप लेना जरूर। एक और मैंने फिलिप्स का देखा था, वो भी बहुत अच्छा है, आप चाहो तो वो वाला भी ट्राई कर सकते हो। काफ़ी अच्छा लुक देता है और सॉरी काफ़ी अच्छे रिजल्ट है उसके भी, और ट्राई कर सकते हो। फिलिप्स वाला मेरी बहन के पास है तो मैंने उसका यूज़ किया है, तो वो भी बहुत अच्छा है। पहले सबसे पहले उसके पास ही था, फिर उसके बाद मैंने ये हैवेल्स का मंगाया, सॉरी हैवेल्स की कंपनी है ये, मैं तो बताना भूल ही गई। और आपको अब चाहिए कि आप मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट लेने चाहते हो ना हेयर स्ट्रेटनिंग से लेकर, तो आपको आराम से 2-2 हज़ार का एक आपको कर्लर मिलेगा, आपको स्ट्रेटनर मिलेगा 2000-3000 का। तो इससे अच्छा है आप ये ले लो। और आप वैसे भी आपको रोज़ करना तो है नहीं, हल्का फुल्का सा है, रोज़ करना तो है नहीं, जब करना है निकाल लो कर लो, जो मन करे वो कर सकते हो अपने हेयर्स के साथ। जब भी आपको लगे मुझे स्ट्रेट चाहिए स्ट्रेट कर लो, जब भी आपको चाहिए कि कर्ल्स चाहिए तो कर्ल्स कर सकते हो। तो ये भी गर्म हो चुका है, तो इसमें भी हम करेंगे। आप यहाँ पर पतले पतले हेयर्स भी कर सकते हो, मतलब पतले पतले बालों के एक्सटेंस लीजिए और पतले पतले इस तरीके से कर सकते हो, बट मैं मोटे मोटे कर रही हूँ क्योंकि मुझे आज की जो हेयर स्टाइलिंग है ना थोड़े से ऐसे ही बेबी बेबी टाइप में चाहिए, तो इसलिए मैं वैसे कर रही हूँ। ज़्यादा टाइम भी नहीं लेता है, कुछ सेकंड के बाद बस आपको हटा देना है, ये आराम से हो जाता है। और तुरंत ही आपको है ना ऐसे खोलना नहीं है, आपको कुछ इस तरीके से करना है ऐसे ऐसे, तो ये कर्ल्स आपके काफ़ी टाइम तक चल जाएंगे। कुछ इस तरीके से आप करेंगे ना तो काफ़ी टाइम तक चल जाएंगे, एकदम से आप खोलिए मत उनको, थोड़ी देर रेस्ट करने दीजिए। तो कुछ इस तरीके से ये देखिए हमारे कर्ल्स हो गए, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, आपके सामने ही देखिए मैंने किया है। तो अब हम इसको भी हटा देते हैं और अब मैं आपको दिखाऊंगी कि क्रिम्पिंग कैसे होती है। तो इसको भी आप इसको आपको दबाना है फिर उसके बाद इसको रिमूव करना है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है वरना टूट सकता है आपका जो लॉक करने वाला सिस्टम है ये वाला। ओके, तो अब हम यहाँ पर करेंगे, ये ठंडा हो गया है शायद, नहीं अभी भी गर्म है, ट्राई करते हैं अगर चेंज हो जाता है तो। मैं वीडियो बना रही हूँ, गए क्या? अच्छा अभी पेंसिल लेने गए होंगे, आ रहे हो। तो ये कुछ इस तरीके से चेंज करना है, ध्यान रखना है दोनों साइड का चेंज करना है इस तरीके से। तो ये हो गया, रखो ना अभी ले रही हूँ, बस हो गया कंप्लीट हो गया। और इस तरह से आइसक्रीम ये रही मेरे लिए आइसक्रीम लेके आए,
मैं ये खा लेती हूँ अभी थोड़ी देर में, पहले ये वीडियो कंप्लीट कर लूँ। तो ये हो गया, इसको थोड़ा सा हम हीट करेंगे फिर उसके बाद यूज करेंगे। बैग नहीं ले गई ना नाया, तो फिर इधर ही होगी। खाओ खा ले। जब भी मैं वीडियो बनाऊंगी ना ऐसे ही बैठा रहेगा मेरे पास, या तो रोएगा। ओके, तो मैं सब में मैंने सीरम लगा लिया। अब मैं ये क्रिम्पिंग वाला प्रोसेस दिखाऊंगी। ये अच्छे से गर्म हो चुका है, ज्यादा ही गर्म हो गया लगता है। देख पा रहे हो मैंने बहुत दूर दूर से किया है इस तरीके से। तो ये रहा इसका फुल रिव्यू, और काफी टाइम से यूज कर रही हूँ मैं, वैसे के वैसे ही चल रहा है। आप जानते हो मैं हमेशा वीडियो करती हूँ तो कोई ना कोई स्टाइलिंग में करती ही रहती हूँ हेयर्स की, तो काफी टाइम से चल रहा है, अभी तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है मुझे। तो आप देख सकते हो, और मंगवाइए अपने लिए और एंजॉय करिए। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। और कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड, या फिर और कोई क्वेश्चन है किसी और चीज़ से रिलेटेड, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।